तो गाइज अगर आप लोगों ने शिबा इनू को परचेज कर रखा है या आप सोच रहे हो शिबा इनू को परचेज करने की, तो बिल्कुल राइट टाइम आपके लिए, क्योंकि शिबा इनू बहुत ही जल्दी बूम होने वाला है और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला तो रीजन है रोबिनहुड। रोबिनहुड प्लेटफॉर्म आप सभी को पता भाई कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब हम रोबिनहुड पे लिस्ट कराने के लिए शिबा इनू की बहुत सारे सिग्नेचर्स किया करते थे, बहुत सारे ट्वीट किया करते थे, और फाइनली रोबिनहुड ने शिबा इनू को लिस्ट कर दिया था। और अब रोबिनहुड खुद शिबा इनू को प्रमोट कर रहा है यूरोपीय यूनियन में, साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम में, यानी ईयू एंड यूके के बीच में। और ऐसा ये क्यों कर रहा है, चलिए उसके पीछे का रीजन जानते हैं, और ऑफिशियली ट्विटर पे भी मैं आपको ये दिखा देता हूं। सबसे पहले यहां पर भी चेकआउट कर सकते हैं, अमेरिकन की फाइनेंशियल सर्विस फर्म है जिसका नाम है रोबिनहुड, जो आप सभी को पता ही है, और ये एक्सपेंड कर रहे हैं या फिर बोल सकते हैं भाई ऑफर दे रहा है पीपल्स को, या फिर नए ट्रेडर्स को या पुराने ट्रेडर्स को भाई, ताकि वो यहां पर आकर ट्रेड करें अपना। और ये देखिए ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पेज जो इन्होंने ट्वीट पोस्ट किया हुआ है, रोबिनहुड हैज अनाउंस्ड इट्स प्लान टू एक्सपेंड क्रिप्टो ट्रेडिंग, यानी ये अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग को फैलाना चाहता है ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के बीच में और यूके के बीच में यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच में। द कंपनी इज अ टॉप ट्रेंडिंग सब्जेक्ट ऑन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म एंड लाइक अदर बुलिश इवेंट ड्यू टू इंक्रीज एक्सपोजर टू न्यू ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, साथ के साथ नए ट्रेडर इन्वेस्टर के बीच में। अब यहां पर जो बेनिफिट मिलने वाला है वो शिबा इनू को सबसे ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि यहां पर जो मेन इसका फोकस रहेगा वो दो चार कॉइनों पर रहेगा, जिसके बीच में से भी शिबा इनू वन ऑफ द कॉइन यहां पर बन चुका है। और यही कारण है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं भाई, आप जितने भी लोगों ने शिबा इनू को परचेज कर रखा है या फिर सोच रहे हैं शिबा इनू को परचेज डाउन करने की, तो जल्दी से कर लीजिए, इस मौके को हाथ से मत गवाइए। यहां पर दूसरी बात करते हैं भाई, दूसरी जो न्यूज है वो है शिबा इनू की खुद की ऑफिशियली टीम की तरफ से, जो जिन्होंने अपने प्लान्स 2024-2025 के यहां पर अनरिवील किए हैं भाई, क्या कुछ यहां पर प्लान रहने वाले हैं शिबा इनू के भाई, किस तरह से हम शिबा इनू के प्राइस को बढ़ा सकते हैं या फिर कुछ नया क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर प्लान्स की बात करो तो इसमें बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन दो तीन जो है वो मेन मेन रीजन है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आप पढ़ सकते हो द बिग प्लान फ्रॉम शिबा स्टेट 2024-25, यहां पर लिखा है मोर पावर टू एवरीवन, शिबेरियन स्प्रेड डिसीजन, कम्युनिटी एंपावरमेंट, बहुत सारे यहां पर प्लान्स हैं, आप चाहो तो इसको चेकआउट कर सकते हो। ये देखिए यहां पर अगर मैं मेन मेन आपको प्लान बताऊं, तो सबसे जो हमारा मेन प्लान है, वैसे तो मैं आपको पहले फोकस बता देता हूं, जो इनका मेन एम है, मेन एम इनका है भाई यूटिलाइज कर सके जो डिसेंट्रलाइज करेंसी है, ज्यादा से ज्यादा उसका यूटिलाइज कर सके, ताकि वो गवर्नेंस ऑफ सिबेरियम को अप्रोच कर पाए। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर भाई जिस तरह से जैसे बहुत सारे टोकन शिबा इनू के, जिसको मैं कम्युनिटी के बीच में यहां पर लेके चलता हूं, या फिर इसको बोल सकते हैं कम्युनिटी एंपावरमेंट, इसमें क्या है आपको पता भाई, शिबा इनू का शिबा इनू भी है, बोन टोकन भी है, लीज टोकन भी है। अब ये हमारा जो इको सिस्टम के टोकन है, या भी ये फैले हुए हैं, अलग अलग हुए पड़े, हमारा किसी एक पे फोकस नहीं है। हम चौथे पे शिबा इनू पे भी करें तो हमारा दूसरा बोन टोकन से फोकस उठ जाता है, अगर लीज पे ध्यान दे तो बोन और शिबा रह जाते हैं। तो इसके बीच में यहां पर कम्युनिटी एंपावरमेंट में क्या होगा भाई, हम टोटली यानी ट्रीटेड इक्वली ट्रीट करेंगे इन तीनों टोकन्स को, हम इनको इक्वली ट्रीट करेंगे, ताकि इनके कारण जो ओवरऑल शिबा इनू के वो ग्रोथ हो पाए यहां पर। तो ये सबसे बड़ा, और इसमें रिस्क जो फैक्टर होगा वो रिस्क फैक्टर को कम से कम यानी मिनिमाइज रिस्क फैक्टर करना होगा हमें। तो ये हमारा सबसे बड़ा टोकन है। बाय इन्वॉल्विंग ऑल टोकन इन वोटिंग अवॉइड द रिस्क, सेम वे में लिखा है भाई, हम रिस्क को अवॉइड करेंगे, ऑफ यू डोमिनेटिंग द डिसीजन इन सोर बैलेंस इकोसिस्टम, और बैलेंस तब बन पाएगा जब हम सभी कॉइन्स को ट्रीटेड करेंगे इक्वली यहां पर। नेक्स्ट बात करते हैं शिबा इनू से रिलेटेड, एक और गुड न्यूज है यहां पर, जो हमारी शिबोसिस एनएफटी है वो न्यूयॉर्क के बिलबोर्ड के ऊपर शो हो रही है, और उसको होते होते यहां पर बहुत सारे पीपल सीसी करके एनएफटीज के पीछे लग चुके हैं। यहां पर आप भी देख सकते हैं, यहां पर साफ तौर पे आपको दिख रहा होगा शिबोसिस का यहां पर, और यहां पर यह क्या है, न्यूयॉर्क की सड़कों के ऊपर जो बिलबोर्ड है उसके ऊपर यहां पर शो की जा रही है। इससे क्या होगा, जो नए नए बायर्स हैं, नए नए यूजर्स हैं, खासतौर पर न्यूयॉर्क के यूजर, वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, जुड़ेंगे इसके कारण, और इसी से वो एनएफटीज को परचेज डाउन करेंगे। और अगर वो जानेंगे इसके बारे में तो वो मैक्सिमम हो सकता है भाई शिबा इनू में भी अपनी इन्वेस्टमेंट या फिर अपना इंटरेस्ट दिखाएं यहां पर।
नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे आप कमेंट करते रहते हो भाई हमें ना टोकन्स बता दीजिए भैया, हमें टोकन्स बता दीजिए सर, भाई कौन से टोकन्स हम परचेज करके रख ले जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए। तो भाई ये अपकमिंग टोकन्स है जो आने वाले टोकन्स हैं और आप इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और ये बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। अब इसमें से कुछ मेम टोकन्स है, कुछ क्रिप्टो करेंसीज है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा होता है लिस्ट ऑफ बेस्ट क्रिप्टो प्री सेल एंड अपकमिंग न्यू क्रिप्टो कॉइन, जैसे एपी मैक्स है, वॉल स्ट्रीट मीम्स है, शिबा मेमू है, चिंपैंजी है, मेम कॉम्बैट है। तो यहां पर क्या चीज है, बहुत सारे इस तरह के और भी आने वाले टोकन्स हैं यहां पर जिनको आप सेल आउट करके परचेज करके और अच्छे दाम में सेल आउट करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। वो मैं एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, उसको आप जाके चेकआउट कर लेना यहां पर। नेक्स्ट बात करते हैं भाई बर्निंग रिपोर्ट की। अगर लास्ट दो हफ्तों की बात करें यानी लास्ट टू वीक की, तो उसमें अराउंड 550 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को हम बर्न कर चुके हैं लास्ट दो हफ्तों के बीच में। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 550 मिलियन बर्न नाउ इन लेस देन टू वीक्स फ्रॉम द शिब ड्रीम एनएफटी कलेक्शन। ये सिर्फ शिबा ड्रीम एनएफटी कलेक्शन की है यहाँ पर। और अगर वैसे जनरली बात की जाए बर्निंग की, जो डेली बेसिस पे हमारी बर्निंग होती है, तो आज की बर्निंग देखी गई तो 9 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को बर्न किया गया आज के दिन यहां पे। तो ये अपने आप में ओवरऑल 716%, क्योंकि डेली की आपने बर्निंग देखी तो बहुत कम बर्निंग नजर आई थी। लास्ट 7 डेज की बर्निंग देखी तो वो भी बड़ी कम नजर आई थी यहां पर। लेकिन अब क्या चीज है, जैसे ही ये न्यूज यहां पर आई है, जैसे ही पता लग रहा है सभी को, तो जब सबसे ज्यादा यहां पर शिबा को परचेज आउट भी किया जा रहा है और बर्निंग भी बढ़ चुकी है यहां पर, और आने वाले टाइम पीरियड में बर्निंग भी बढ़ती हुई नजर आएगी। अब नजर डालते हैं ओवरऑल प्राइस पे और शिबा इनू पे, भाई ओवरऑल मार्केट किस तरह रिएक्ट किया आज और शिबा इनू ने कैसा रिएक्ट किया। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो मार्केट लगभग 5% प्लस पे चलती हुई नजर आई है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पंप है यहाँ पर। बिटकॉइन और इथेरियम पिछले 24 घंटे में बिटकॉइन लगभग 4% प्लस पे और इथेरियम लगभग 6% प्लस पे नजर आया पिछले 24 घंटे में, और बिटकॉइन पिछले 1 घंटे में लगभग 2% गिरावट पे और इथेरियम लगभग 1% गिरावट पे है। शिबा इनू पे नजर डालते भाई शिबा इनू अभी भी जो शिबा इनू का रैंक है वो बहुत ही ज्यादा डाउन है, यानी 18 रैंक पे है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया था जो डोज कॉइन हमारा, डोज कॉइन इसका हाफ यानी 18/2=9 और यहां पर 9वें नंबर पे हमारा डोज कॉइन लाई करता है। और एलोन मस्क अब फिर से डोज कॉइन के पीछे लग चुके हैं। आपको भी ये ट्वीट आपने अगर नहीं देखा तो वो जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो मैं डोज कॉइन के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, फर्दर क्या कुछ होगा डोज कॉइन का, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा। शिबा इनू की बात करें तो रैंक तो आपने देख 18 रैंक है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। वॉल्यूम की बात की जाए तो 45 रैंक है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग शिबा का। प्राइस की बात की जाए तो भाई आज अच्छा पंप किया, लेकिन पिछले 1 घंटे से शिबा इनू में एकदम से तेजी से गिरावट देखने को मिली है पिछले 1 घंटे से। बाकी ठीक ठाक बढ़िया पंप चलता हुआ नजर आया शिबा इनू के प्राइस के बीच में। होप सो भाई आने वाले टाइम पीरियड में शिबा इनू और ज्यादा ग्रो करेगा, और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है शिबा इनू के साथ जो भी अपने इसके नए नए सिचुएशंस हैं, नए नए प्लान्स हैं, वो अगर इंप्लीमेंट करेगा तो मे बी शिबा इनू को एक बेटर रिजल्ट मिल सकता है। जो हम प्राइस प्रेडिक्शन कर रहे हैं मे बी उसमें सबसे ज्यादा प्राइस आ जाए। वैसे अगर आपको बताता चलूं शिबा इनू के बारे में, तो भाई देखो आने वाले टाइम पीरियड में शिबा इनू का प्राइस बहुत ही ज्यादा पंप हो सकता है अगर ये इन चीजों के ऊपर फोकस करे। और साथ के साथ रॉबिनहुड तो यार हेल्प कर ही रहा है, ऑब्वियसली बात है, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जब आपकी हेल्प कर रहा हो तो यार जाहिर सी बात है भाई हाँ आप यहाँ पर अच्छा खासा उसका बेनिफिट उठा सकते हो, उस चीज का बेनिफिट भी ले यहाँ पर। तो भाई यही था इस वीडियो के बीच में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह के अपडेटेड वीडियो यहाँ पर मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।